हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईबग इंडिया में। और आज हमारे पास आई है ब्रशलेस डीसी मोटर। अब मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं सबसे पहले कि ये किस चीज़ की मोटर है। ये हमारी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की मोटर है। इसे कैसे चेक करना है, इसमें क्या खूबियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, मैं पहले ही किसी भी वीडियो में मैनुअली चेक करना पड़ता है, बिना किसी सप्लाई के, बिना किसी उपकरण के कैसे आप उसे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपकी मोटर है तो उसका ये जो हमारा जहाँ पे पुली पर बेल्ट फंसती है, हम इसे अपने हाथ से रोटेट करके देखें। ये देखिए, ना तो एकदम फ्री होनी चाहिए, ना ही एकदम टाइट मूव करनी चाहिए। जब ये हल्का हल्का घूम रही है, थोड़ा सा फंसती हुई जैसे, मतलब लोड लेना टाइट, ना तो अटकना है ना ही एकदम स्मूथ घूमना। अगर ये अटकेगी यानी कि आपकी वॉशिंग मशीन जान चलेगी तो भी हमारी वॉशिंग मशीन में इधर आएगा। और अगर ये एकदम ही फ्री घूम रही यानी अब इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, एकदम ही फ्री घूम रही तो भी ये खराब है। तो ये दो टेस्टिंग तो हमारी मैनुअली होगी। अब हम बात करते हैं कि हमारे किसी डिजिटल मीटर के साथ या क्लैंप मीटर के साथ आप इसे कैसे टेस्ट करोगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को दिखा देना चाहूँगा पास से। ये देखिए, इसमें तीन टर्मिनल्स हैं। हमारी जितनी भी बी एल डी सी मोटर्स होंगी वॉशिंग मशीन में यूज होंगी, चाहे ये वाली हो या डायरेक्ट ड्राइव मोटर हो, उन सब में तीन टर्मिनल्स होंगे। और तीनों टर्मिनल्स के बीच जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा वो लगभग लगभग सेम आएगा। आप मान के चलिए 8 से 12 ओम्स के आसपास ही आपका रेजिस्टेंस वैल्यू आना है तीनों टर्मिनल्स में। तो सबसे पहले हम यही चेक कर लेते हैं कि इसके तीनों टर्मिनल्स के बीच में सेम रेजिस्टेंस वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे दो टर्मिनल्स के बीच 5 ओम्स का रेजिस्टेंस वैल्यू आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी रेजिस्टेंस वैल्यू आ रही है वो भी 5 ओम्स के आसपास आ रही है, तो ये भी ठीक है। अब हम बाकी के लोग देखते हैं। इसमें भी हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 5 के आसपास आ रही है, 5.1, 5.2, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी अभी ये तीनों हमारे टर्मिनल्स की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो सेम आ रही है। तो हम अभी ये मान लेते हैं कि हमारी मोटर ठीक है। अब देखो, वही तीनों टर्मिनल्स की रेजिस्टेंस वैल्यू, ठीक है। अब एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं, हम इसके टर्मिनल से ये चेक कर लेते हैं कि कहीं ये बॉडी से शॉर्ट तो नहीं। मैंने कंटिन्यूटी पर लगाई रखा था, किसी भी टर्मिनल पर ये शॉर्ट होगी तो जैसा अभी बीप हो रहा था सेम वैसे ही बीप होगा। तो एक टर्मिनल पे लगाया, कोई आवाज नहीं आई। दूसरे टर्मिनल पे लगाया, कोई आवाज नहीं आई। तीसरे टर्मिनल पे लगाता हूँ, कोई आवाज नहीं आई। इसका मतलब है कि ये हमारे जो इसमें तीनों टर्मिनल्स हैं वो किसी से भी हमारी बॉडी पे शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अभी ये मोटर सही है। और हाथ से भी हमने घुमा देख लिया, ना तो बहुत ज्यादा जाम चले, ना बहुत ज्यादा से फ्री चल रही, तो इसका मतलब ये हमारा सही है। अब बात करते हैं कि इसमें सप्लाई कितनी आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, सप्लाई चेक करने के लिए आपको क्लैंप मीटर को, ये जो हमारा क्लैंप मीटर है, इसे 1000 की रेंज में या अगर आपके में 500 की रेंज हो तो उस पर सेट कीजिएगा डीसी वोल्ट पे। और एक प्रोब आपको लगानी है हमारे इसके किसी भी टर्मिनल पे, जैसे कि मैं यहाँ लगा रहा हूँ। और दूसरी जो आप ये प्रोब लेंगे जो अभी मेरे हाथ में है, इसको आप लगा देंगे हीट सिंक प्लेट में जो आपकी पीसीबी पे लगी होगी। ध्यान दीजिएगा, पीसीबी की ही हीट सिंक प्लेट पे लगाएगा, न्यूट्रल या मशीन की ग्राउंडिंग अर्थिंग इनमें नहीं लगाना, हीट सिंक प्लेट में। उस पर आप देखिएगा 100 से 150 वोल्ट के ऊपर ही आना चाहिए आपका करंट, ठीक है। अगर इतना करंट आ रहा है तो ठीक है। इसी के साथ हमने ये देख लिया कि हमारी ब्रशलेस डीसी मोटर कैसे चेक करी जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।